हेलो एवरीवन, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू 3D लर्निंग एकेडमी एंड मॉक जोन। सो गाइस, टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस दैट प्लान टू प्रिपेयर फॉर स्नैप 2020 एग्जाम, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट 15 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। काफी लोगों ने 20 दिसंबर को एग्जाम दे दिया है, अब काफी लोग 6th एंड 9th को देने वाले हैं एग्जाम। सो गाइस, ये काफी आपके लिए लास्ट ऑप्शन है, समझ लो, है 2020 का। अच्छे से कर लो गाइस, हो जाएगा। पेपर ज्यादा टफ नहीं आया, आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा, वीडियोज बनाए काफी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो और सारे टॉपिक सारे सेक्शंस के कैसे कवर कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को जरूर से लाइक करो, वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है एंड काफी लोग देखना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, क्योंकि डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो। गाइस, जैसे स्नैप की वीडियोस बने, वैसे ही ऑलमोस्ट सारे एग्जाम से वीडियो बनने वाले हैं, सबकी अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। काफी लोग हैं जो लोग मिस कर दिए वीडियो देखना और उनका नुकसान हो गया, ठीक है। जैसे कंपाउंड वर्ड्स का क्वेश्चन आया था, काफी लोगों ने वीडियो देखा नहीं, हमने डाला था ग्रुप पे वीडियो टेलीग्राम के भी, तब भी नहीं देखा उन्होंने, तो उसके बाद में वो बोल रहे थे, काफी लोगों ने देखा, वो काफी खुश हो रहे थे, तो ये चीज है, ठीक है। और लिंक में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देख लेना, पिन पोस्ट में, ठीक है, वहां पे दे देंगे। तो स्नैप की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर से फॉलो करना गाइस, उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका इंग्लिश सेक्शन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, पक्का बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। काफी रिव्यूज हैं, मैं आगे बात करूंगा इस बारे में डिटेल में। चलो गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये आप एक इंपॉर्टेंट काम कर लो गाइस, आगे बढ़ने से पहले, ये फेसबुक ग्रुप है एंड मैट 2020 का, इसको जरूर ज्वाइन कर लो गाइस। यहाँ पे काफी क्वेरीज वगैरह क्लियर होती है, आपको डाउट्स होते हैं उसके बारे में और मैं भी क्वेश्चन डालता हूँ प्रैक्टिस के, तो जरूर से ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है। चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये 15 डेज का शेड्यूल अप्रॉक्स, तो मैं मान रहा हूँ कि आज आप नहीं पढ़ते हो, कल से स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ। तो ये कॉन्स रीजिंग वीआरसी है और बाकी मॉक्स का वो कितने देना ही है, तो दो दो का पेयर बनाया मैंने। तो स्टार्टिंग से अगर करेंगे, हर चीज आपको कवर करनी है, ऐसा मान नहीं रहे कि आपने पहले पढ़ लिया है, तो आपको गाइस बहुत अच्छे से पढ़ो। और गाइस, ये मत अज्यूम करना है इस बार पेपर ईजी है तो अगली बार भी ईजी है, अपने आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, पेपर जैसा भी आप कर लो, क्योंकि अगर आपको टाइम मिल रहा है ज्यादा तो हो सकता है कुछ करें लफड़ा, ठीक है, तो ये हो सकता है आपके साथ। तो काफी लोग कह रहे हैं आरसीएनडी नहीं आएगी, हाँ ठीक है, आरसीएनडी अगली बार भी नहीं आएगी, बट आ गई तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। तभी हम लोगों ने अपने जो मॉक्स हैं उसमें हम लोगों ने 9 मॉक्स में आरसीएनडी हटा दी गई है एंड 6 मॉक्स में रखी है। चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में, अब देख लेते हैं टाइम टेबल। हाँ, तो गाइस 23-24 को आपको परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है, अच्छे से करना है गाइस। करने का मतलब है क्वांटम कैड अरुण शर्मा के एग्जाम्पल सारे देखो, कुछ क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से, आपको 2 दिन मिलना है, ठीक है। प्लस रीजिंग में आपको ब्लड रिलेशंस एंड नंबर सीरीज करनी है, वीआरसी में फिगर ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फॉरेन वर्ड्स करने हैं। सबसे अच्छे सोर्स है हम लोग की प्लेलिस्ट, वहां सब जाके तीनों वीडियोस देख लो अच्छे से, आपका हो जाएगा उतना। अगर आपको एक्स्ट्रा करना हो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। और आपको 2 मॉक्स देने 2 दिन में, एक दिन में 1 मॉक एटलीस्ट, इतना तो करना ही है गाइस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉक्स इंपॉर्टेंट देना, काफी लोग नहीं कर पाए पेपर अटेम्प्ट, 30-30 क्वेश्चन भी करके आए हैं, इतना इजी पेपर में ये हाल है तो बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए रहा है कि वो समझ ही नहीं पाए कैसे करें, तो ज्यादा मॉक्स दोगे तो यही फायदा होगा, 2-4 मॉक्स नहीं होता, ठीक है, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कमिंग टू 25th एंड 26th दिसंबर, सो गाइस 25th एंड 26th को रेशन प्रोपोर्शन पार्टनरशिप आपको करना है, अर्थमेटिक का काफी वेटेज है, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस करना है आपको रीजनिंग में, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कलेक्टिव नाउंस एंड कंपाउंड वर्ड्स आपको करना है वीआरसी में, ये भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देन वी हैव यू हैव टू गिव 2 मॉक्स, 2 मॉक देने हैं आपको, ठीक है। कमिंग टू 27th एंड 28th दिसंबर, 27-28 टाइम एंड वर्क TSD करो, ठीक है गाइस, जो भी आप करो ढंग से करो, बहुत ही मतलब ऐसे करो कि दोबारा करना ना पड़े, ठीक है। क्लॉक्स हैं कैलेंडर से गाइस, काफी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से कर लो, क्लॉक्स के 2 वीडियो मैंने बनाए, वो देख लेना जरूर से, कैलेंडर्स आप देख लो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में। वो कैप के 200 वर्ड्स, वो कैबलरी के भी 2 वीडियो बने हुए प्लेलिस्ट में है 100 वर्ड्स के, दो उसको अच्छे से देख लो, उसे हो जाना चाहिए अच्छा, बाकी तो वो कैप का कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा आती है वो, मतलब इनफाइनाइट एक तरह से। कोई एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो आप, एक मगूश की वो कैप की एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लो, उससे आप पढ़ते रहो 15-20 मिनट डेली, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर आप देख लो आपके अकॉर्डिंग जो भी लगे आपको अच्छी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ये है कि रूटीन बना लो उसको आप, क्योंकि वो उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। एंड 2 मॉक्स आपको देने ही देने गए 2 दिन में, 1 दिन में 1 मॉक चल रहा है अभी। 29 एंड 30 को आपको एवरेज मिक्सर एलिगेशन PNC करना है, वर्बल रीजनिंग एंड इंपोर्टेंट, वर्बल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट ही करना है। इनपुट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस 1-2 आए इस बार, 2 क्वेश्चंस करीब आए, इनपुट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बुक से कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बुक से कर सकते हो प्रैक्टिस। बाकी वीआरसी प्रेपोजिशन के रूल्स देख लो, एक्टिव पैसिव देख लो अच्छे से, ठीक है। अब से गाइस आपको 3 मॉक देना शुरू करना है 2 दिन में, किसी एक दिन में 2 दे दो, किसी एक दिन में दे दो, ठीक है। मॉक्स सब कुछ है, क्योंकि मॉक्स एनालाइज भी करोगे और मॉक्स की स्पीड ही बनेगी, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाते बच्चे,
31st एंड 1st जैन को आपको प्रोबेबिलिटी एंड एबीजी भी करनी है। प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लो गाइस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड एबीजी भी करनी है। सिलोजिज्म एंड पजल्स आपको रीजनिंग भी करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। एसवीए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 मार्क्स देने हैं आपको। देन वी हैव सेकंड एंड थर्ड को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, सर्ट्स, पूरा अलजेब्रा, अलजेब्रा में जितना पार्ट है सब करो, ठीक है। 2 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा गाइस, ज्यादा टफ नहीं आ ही रहा है, ठीक है। बट स्टिल अगर इजी आ रहा है तो गाइस टारगेट करो 20 में 18 लाने का, ठीक है, 18+ इजी आ रहा है तो। बट वो ऐसा है कि आने से नहीं होता है, इजी होता है तभी आप नहीं कर पाते हो, अपने प्रैक्टिस नहीं की होती उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि काफी देखा हमने, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस एलआर, मतलब इस टाइम पे आपको आपको जो वीक एरियाज लगे उसको प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ लो, पसल वाले जो ब्रेन टीजर्स वाले नहीं होते हैं जो आईएएस में पूछे जाते हैं, जैसे इस बार आए हैं थोड़े साइंटिफिक टाइप के क्वेश्चन, वो आप देख लो नेट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देन वी हैव पैरा जंबल्स, इंग्लिश में पैरा जंबल से करीब 50 क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस, एंड वो कैब की प्रैक्टिस करो, अपना मिक्स करते रहो, ठीक है। 3 मॉक्स दो, मॉक को एनालाइज करो अच्छे से। 4th एंड 5th को आपको नंबर्स पढ़ना है अच्छे से, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक वीडियो बनाया, आपका हो जाएगा उससे। बाकी वो जो तुम्हारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, वो सब वो ही मैंने बताया है, खाली शिफ्टिंग वगैरह नहीं बताया, शिफ्टिंग आप पढ़ लेना अलग से, शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किया था, बट मुझे लग रहा था शिफ्टिंग थोड़ा हाई लेवल ना हो जाए, इसलिए मैंने बताया नहीं, बट वही आ गया, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, आपको हो जाएगा उससे। मिक्स एलआर करो गाइस, एलआर के जो क्वेश्चन आपको लगे वो अच्छे से करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो गाइस, रेडी आए बिल्कुल, ठीक है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर कर लो अच्छे से, ग्रामर का रिवीजन करो, ऊपर के जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देखो फिर से, 3 मार्क्स दो। देन वी हैव 6th एंड 7th को आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन अच्छे से कर लो पूरी, ज्योमेट्री की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, यहाँ पे आधार करो अच्छे से मिक्स एंड मिक्स वोकैब एंड ग्रामर की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ग्रामर जो हो गया, ठीक है। देन 3 मार्क्स दो, ठीक है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट होमोनिम्स भी कर लेना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, अभी मैं उसका वीडियो बना भी दूंगा। 8th जैन को आपको कुछ नहीं करना, 9th को एग्जाम, 8th को आपको बस रिवाइज करना है, कौन से सारे फॉर्मुले रिवाइज कर लो अच्छे से, रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लो जो आपको टफ लगे, एंड वर्बल रिवाइज कर लो, 1 मार्क सुबह आप दे दो और अच्छे से एनालाइज करो उसको। तो गाइस अगर आपने ऐसा रूटीन फॉलो कर लिया तो आराम से आपका हो जाएगा, बस यही भी यहाँ पे चीज़ है, मैंने आपको बताया था शुरू से स्नैप एंड मैट से थोड़ा अलग है, इन द सेंस दैट वो हर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देना चाहता है, जैसे नेट में क्या होता है एक टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच, एक इडियम्स, एक फॉरेन वर्ड्स, एक कंपाउंड वर्ड्स ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको सब टॉपिक पढ़ना चाहिए, सिमिलरली कौन से कोई टॉपिक मत छोड़ो आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाओ इस बार, ठीक है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है बट पढ़ के जाओ। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पढ़ लो, क्या पता आ जाए मीन मीडियन मोड, ठीक है, कुछ नहीं आपको कुछ बहुत आराम से नोट्स मिल जाएंगे, बहुत बेसिक पढ़ना है, कोई डाटा फाइन नहीं रहा है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखो पेपर इजी आ रहा है तो लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ज्यादा, बट मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अटेम्प्ट जरूरी नहीं कि अटेम्प्ट करने से आप कट ऑफ जाए, 56-57 अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग, गलत भी होंगे लोगों के, ठीक है। तो आप ज्यादा डरो मत, अच्छा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, लोगों के आ रहे हैं 44-45 भी आ रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल कट ऑफ 40-42 तक मुझे लग रहा है SIBM का हो सकता है, बाकी तो देखा जाएगा, काफी चीजों पर डिपेंड करता है कट ऑफ, ठीक है। तो गाइस अच्छे से कर लो, बहुत अच्छा कॉलेज है SIBM पुणे SIMHRD, और इस बार काफी टाइम मिल रहा है आपको, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ऐसा अच्छी क्या बात है, ठीक है। कोई डाउट आता है कैन पिंग मी, एंड दोज़ हू आर लुकिंग फॉर मॉक्स यू कैन चेक आवर बोथ द पैक्स, मिनी एंड रेगुलर पैक। गाइस उन्होंने मॉक्स पहले 12 थे, 12 से 15 कर दी, 3 मॉक्स और एड कर दी न्यू पैटर्न पे, तो टोटल 15 मॉक्स हैं, और 15 मॉक्स में 9 मॉक्स जो हैं वो आपके RC and DI नहीं रहेगा उसमें, जैसे 20th का पैटर्न था, बट जो 6 मॉक्स उसमें RC and DI रहेगा, क्योंकि अगली बार क्या पता वो RC and DI दे दें आपको, तो आप सेफ साइड रह के चलो इसलिए, ठीक है। हम लोगों ने मॉक्स लाइव होना शुरू कर दिया, एक फ्री मॉक लाइव है नए पैटर्न पे, और 8 मॉक्स हमने लाइव कर दिए पोर्टल में, काफी लोग एनरोल कर रहे हैं गाइस, काफी इकोनॉमिकल है, अच्छे से आप दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यू आर स्पेंडिंग क्लोज टू 5-6,000 स्नैप, उसके लिए भी अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगी टेस्ट सीरीज है, 999 का है, ठीक है, 15 मॉक्स है, वो भी अच्छे से एनालाइज करके देखते हो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी रेलेवेंट है बहुत, इतने ज्यादा रिव्यूज हैं, यू कैन चेक आउट द रिव्यूज, आप पॉज करके देख लो आराम से आपको समझ आ जाएगा। बाकी तो 5-6 रिव्यूज हैं, 25-26 रिव्यूज मेरे पास पड़े हुए हैं, डेली रिव्यूज आते रहते हैं क्योंकि रेलेवेंट है मॉक्स एक्चुअल में, ठीक है। पॉज करके आराम से पढ़ लेना आप, और आपको देखना हो तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो, वेबसाइट में और रिव्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो गाइस ये वेबसाइट है हम लोगों की mockzone.in, ठीक है, यहाँ पे आप /snap कर दोगे तो आप सीधे स्नैप वाले कॉलम में चले जाओगे, यहाँ पे आपको buy now के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा आपको रिव्यूज वगैरह सब मिल जाएगा। सो गाइस अच्छे से कर लो, दिस वॉज ऑल ओवर द वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लो, फिर से बोल रहा हूँ, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है स्नैप एंड मैट का, वो ज्वाइन कर लो, और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और शेयर करो वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।